तो भाई आज बनाने वाले हम स्वराज 855 जो ट्रैक्टर होता है उसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके टायर बनाएंगे, तो टायर बनाने के लिए जो चप्पल आती है उसके यूज करेंगे। बीच में व्हील बनाने के लिए हम जो पीवीसी पाइप आता है जो हमारा पानी फिटिंग का होता है उसका यूज करने वाले हैं। और फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो चप्पल का वो जो रबड़ आता है उसको फेरिक्यूब से चिपका देंगे। जो हमारे चप्पलों में यूज होने वाली रबड़ है वो उसको हम पतली पतली पट्टी टाइप कटिंग कर लेंगे और फिर हमारा जो पीछे वाले टायर है उस पर डिजाइन से बना लेंगे। हमारे ट्रैक्टर के पीछे वाला टायर लगभग तैयार हो चुका है। अब आगे वाले की बारी है, तो आगे वाले की पतली पट्टी कटिंग करके इनके ऊपर भी चिपका देंगे। हमारे ट्रैक्टर के चारों टायर कंप्लीट करने के बाद हमने एक प्ले का लंबा टुकड़ा लिया और दो गियर मोटर का यूज किया पीछे वाले टायरों में। और आगे हमने कुछ इस तरह से लकड़ी का टुकड़ा लगा लिया है ताकि हमारा शॉकर का ये काम करे। आगे वाले टायर लगाएंगे इनके ऊपर, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ कैसे क्या लगाते। तो हमने कुछ इस तरह से लगा लिया है हमारे आगे वाले टायर और एक मोटर लगा ली गियर मोटर जो कि इससे स्टीयरिंग घूमेगी। और आपको वीडियो को रोक के आप भी इस तरह से लगा लेना है। और ये इतना कंप्लीट होने के बाद हम करने वाले इसकी वायरिंग। तो सबसे पहले हम एक पीसीबी लेंगे और जो कि रिमोट कंट्रोल से हमारा ट्रैक्टर चलेगा। और ये वाला दो जो पीछे वाली मोटर है उनका वायर है और आगे वाली का इसका भी ये पीसी में जोड़ दिया हमने। और ये वाला है जो बैटरी का कनेक्टर वायर है और ये वाला एंटीना है। इनको अच्छी तरह से जोड़ने के बाद आपको टेस्टिंग करनी है, अच्छे से टेस्टिंग कर देनी है। और फिर जो इधर उधर कनेक्शन हो जाए तो आपको हटा के वापस करना है कनेक्शन। तो अब बनाने वाले हैं हमारे स्वराज ट्रैक्टर के जो पीछे वाले मिरघाट आते हैं टायर के ऊपर, तो वो वाले बनाने हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने बनाए हैं प्लाई के, तो इसको अच्छे से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम क्या करेंगे, जो टायर के ऊपर बार की और मिरघाट होते हैं वो वाले बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से बना लेना है आपको भी। तो हमने कुछ इस तरह से एक साइड मरघाट बना लिया, तो दूसरी साइड भी बना लेंगे अच्छे से। और अब क्या करेंगे, जो आगे वाला मरघाट होता है वो वाला बनाएंगे। और अब बनाएंगे हम जो पीछे वाला हुड होता है, जो ट्रैक्टर का हुड बनाएंगे। और दो लकड़ी के टुकड़े को हमने खड़ा कर दिया और इसके ऊपर हुड बनाएंगे। और पीछे हम एक छोटा सा स्पीकर लगाने वाले हैं, तो आप भी इसको देख के आप भी लगा सकते हो। तो इतना कंप्लीट होने के बाद हम आगे से भी कवर कर लेंगे और लाइटिंग वगैरह बना लेंगे। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप बना लेना। और ये हमारी स्वराज ट्रैक्टर की चेयर है और हमारे जो ट्रैक्टर के छोटे मोटे पार्ट थे वो हमने कवर कर लिए। और भी बाकी है, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे हम, तो आपको भी कर लेना। और अब करने वाले इसके ऊपर पेंट, अच्छे से पेंट कर देना। हम 3-4 बार पेंट करने वाले हैं ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए।
तो भाई हमारे स्वराज ट्रैक्टर में 80% काम हो गया, तो जो भी काम बचा है वो लिफ्ट वगैरह का, तो अगली एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या बनाना है, और आप कमेंट करके बताना है कि वीडियो बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। और भाइयों ये वाला स्वराज ट्रैक्टर कैसा बना है आप कमेंट करके बताना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो भाइयों लगभग हमने लाइटें वगैरह लगा ली है और अब बारी है टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग आप देख ही सकते हो वीडियो में। तो ये लाइटें वगैरह कैसे क्या लगी है आपको अगले वीडियो में देखने को मिल। तो भाइयों हम क्या करने वाले हैं, जल्दी इसकी टोली वगैरह बनाएंगे और जल्दी इसकी वीडियो आने वाली है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और टोली क्या फुली ऑटोमेटिक बनाने वाला है, लाइक करो वीडियो को।